तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज के हम लोग क्लास में क्लास 9 का मैथ चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। इस त्रिभुज में बहुत ऐसे आप लोगों को सूत्र पढ़ना है, पढ़ने पढ़ना है। इसके बाद जो है उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। तो प्रश्नावली जो 7.1 है, इसमें हमको दो सूत्र पढ़ना है, जो हम दोनों सूत्र को बारी बारी से बताएंगे। पहला सूत्र जो है हम लोग पढ़ेंगे साइड एंगल साइड, और दूसरा सूत्र है एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो आज जो है इस क्लास में साइड एंगल साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि वीडियो जो आप लोग कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट और शेयर के बदौलत ही हम जो है वीडियो जो है अच्छी अच्छी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9, क्योंकि जो है क्लास 9 के लिए है जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ चैप्टर 7, और इसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं त्रिंगल। ठीक है, तीन भुजाओं से बने बंद या समतलीय आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है। तो इसमें फर्स्ट पर है साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस। एस से होता है साइड, ए से होता है एंगल, और ए से होता है साइड, साइड एंगल साइड। इसको संक्षिप्त में हम बोलेंगे एस ए एस, समता के नियम, यानी यह सूत्र है। इसी के सहायता से जो है प्रश्नावली 7.1 में जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो सॉल्व होगा। तो इसका कहना है कि दो त्रिभुज समांतर होते हैं, यानी दो त्रिभुज समांतर होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण एक दूसरे की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यानी हमको दो त्रिभुज लेना है। ठीक है, देखिए दो हम त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, कि दो त्रिभुज हो गया, इसको मान लेना है ए बी सी। ऐसे थोड़ा डिफरेंट इसको मानेंगे, इसको मान लेना है पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज है। अब पर इसमें कि दो त्रिभुज समांतर होते हैं, एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजा, मान लो ये दो भुजा हम ले रहे हैं ए बी और बी सी। ए बी को मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, बी सी को मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और उनका अंतर्गत कोण, उनका अंतर्गत कोण है दो भुजाओं के अंतर्गत, मान अंदर ये दोनों भुजाओं के अंदर का कोण नहीं ना हो जी, बीच में का कोण, ये मान लीजिए कम से कम लगभग 50 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री, 50, 30, 40 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान लिया, आप कोई भी मान सकते हो। दूसरे त्रिभुज की, पहला त्रिभुज अब दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर, सेम टू सेम इसी जैसे भी है। ये भी जो है कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, यह जो है 3 सेंटीमीटर है, और यह जो कोण है यह 50 डिग्री है। ठीक है, अब हमको बताना है कि यह जो समता है कि नहीं है। समता का मतलब क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज हो, जैसे पैसा एक के सिक्का है, एक के सिक्का को एक के सिक्का पर रखा जाए तो दोनों क्या होगा, समता होगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज दोनों एक जैसा है। जैसे ए भी 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है, इसका जो भुजा है इस भुजा पर रख दीजिए, बी सी क्यू आर के बराबर, इसका जो लेंथ है इस लेंथ से मिल रहा है, यह कोण 50 डिग्री, कुछ 50 डिग्री, तो इस पर रखा जाएगा तो दोनों क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वसमता। तो मैथ कहता है कि हमको प्रूफ करो, सिद्ध करो, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी है, यह त्रिभुज क्या है,
तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। और दोनों में अंतर आप लोग बताएंगे। तो देखिए जो ए बी है, ए बी ये भुजा है, साइड है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कुमा उसी तरफ पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ कोण बी, यहाँ पर कोण बी बना रहे, इसको कोण हम बोलते हैं। कोण बी का वैल्यू कितने डिग्री है 50 डिग्री है। उसी तरह कोण क्यू, कोण क्यू का वैल्यू कितने डिग्री है 50 डिग्री है, ठीक है। अब आइए बी सी पर, बी सी बराबर बी सी का वैल्यू कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। कुमार क्यू आर का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए एफ कह रहा है साइड एंगल, साइड देखो हम लोग साइड मिल गया, देखो एंगल मिल गया, साइड मिल गया, इसी में देखिए साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड सब समता का नियम है, यानी लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड सरम समता, सरम समता के नियम से, नियम से जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी सरंसम होंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज सरंसम होंगे। रीजन यह है ना सरंसम इसलिए होंगे क्योंकि जिस तरह ए बी जितना है उतना पी क्यू है, कोण बी जितना है उतना कोण क्यू है, और बी सी जितना है उतना क्यू आर है। तो ये जो लागू हो रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पर लागू हो रहा है, जो त्रिभुज ए बी सी में है वही त्रिभुज पी क्यू आर में है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड सर समता के नियम से जो होगा त्रिभुज ए बी सी जो होगा पी क्यू आर के सरंसम हो, यही तो हमको सिर्फ करना था इसमें। चलिए नोट कीजिए।